हरियाणा में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी से मुलाकात की। नड्डा और शाह से भी हो सकती है मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी को जाता है जीत का श्रेय। मोदी सरकार ने गरीबों की मदद की। नायब सिंह सैनी ने कहा संसदीय बोर्ड करेगा सीएम का फैसला। कांग्रेस को लेकर बोले कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के तीन निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं। देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल, राजेश जून बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, बोले इस चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पीएम ने के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। हरियाणा में 12 अक्टूबर को नई सरकार ले सकती है शपथ। बीजेपी ने लगाई है जीत की हैट्रिक। लगातार तीसरी बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले पीएम मोदी, कहा हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनकर लोगों ने नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्मसिद्ध अधिकार। सरकार में नहीं रहने पर कांग्रेस को हो जाती है बिन पानी मछली जैसी हालत। जेपी नड्डा बोले जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला। आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा हरियाणा में जीत का आगामी चुनाव में असर होगा। 8 मंत्रियों के चुनाव हारने पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही। चुनाव नतीजों के बाद एबीपी न्यूज से बोले सीएम सैनी, ये मोदी जी की जीत। कार्यकर्ताओं को दी जीत की बधाई। प्रदेश की जनता का जताया आभार। अनिल विज के आवास पर बीजेपी की जीत का जश्न मना। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो अनिल विज जैसा हो नारे लगाए। सीएम बनाने की मांग पर बोले अनिल विज, ये समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं। मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। पूछे जहां जीत रहे थे वहां कैसे हार गए। कांग्रेस ने कई सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर संजय राउत ने सवाल उठा दिए। कहा अपनी गलती की वजह से हार गई कांग्रेस। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट करे कांग्रेस। महाविकास आघाड़ी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर निराशा जताई। कहा तालमेल में कमी रह गई। देखना होगा कौन जिम्मेदार। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकार दिया। कहा चुनाव में कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अमेरिका का बयान। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर बोले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संपन्न लोकतंत्र की आधारशिला है। उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, संपर्क में है कई निर्दलीय विधायक भी। राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव लाएंगे। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है लोगों ने बीजेपी की सियासत को नकार दिया। सराखों पर जनता का फैसला। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया। मेराज मलिक ने जीता है चुनाव। गोपाल राय ने कहा ये पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह का विषय है। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा क्षेत्र में खाता खुलने से गदगद आम आदमी पार्टी। कल डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देंगे बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधार। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रिपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रिपो रेट को 6.50% पर ही रखा गया।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी का एक्शन। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अरुण यादव की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। मुंबई के मदनपुरा इलाके में बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। हादसे से पहले लोगों को निकाल लिया गया था बिल्डिंग से बाहर। लखनऊ भिटौली क्रॉसिंग इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, आसमान तक दिखा धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सर्चिंग के दौरान आईडी बम को बरामद कर डिफ्यूज किया गया। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर रखी मिली लोहे की रॉड, लोको पायलट की सूझबूझ के चलते डीरेल होने से बच गई मालगाड़ी। पुणे गैंगरेप केस में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज और स्केच पुलिस ने जारी किया। जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा। मुंबई में गरबा का फर्जी पास बनाकर बेचने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मशहूर गरबा गायक भूमि त्रिवेदी के शो के फर्जी पास बेच रहे थे। सभी 6 आरोपी कॉलेज के छात्र चारना वाले। बिहार के कटिहार में मेडिकल छात्रों पर हमले से नाराज छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया। मेडिकल छात्रों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की।